everyone, welcome to my YouTube channel Bankers Avenue. My name is Preeti Tiwari. In this video, I am going to tell you how to solve puzzles within few minutes for all banking exams. So stay tuned till the end of this video. Let's start the video. हिंदी मीडियम वालों के लिए क्वेश्चन मैंने स्क्रीन पर लगा दिया, वहां से रीड कर लीजिए. Seven boxes L, M, N, O, P, Q, and R are placed one above the other in a stack. Box Q is placed immediately above box O. Only three boxes are placed between O and P, which is not placed at the topmost position. Box M is placed immediately above box R. Only one box is placed between M and N. Box L and N are placed adjacent to each other. ठीक है, देखो बनाते हैं. Seven, six. ठीक है. अच्छा, कई बच्चे पूछेंगे कि मतलब उनको कंफ्यूज हो सकते हो आप कि मैंने यहाँ ही वन क्यों लिया और यहाँ सेवन क्यों लिया. तो आप ऐसे भी ले सकते हो, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन. ठीक है, अगर उन्होंने कुछ नहीं बोला तो आप ऐसे ले सकते हो. क्या बोला? क्यू जो है ओ के इमिजिएटली ऊपर है और थ्री बॉक्सेज हैं ओ और पी के बीच में. पी जो है टॉप मोस्ट में नहीं है. तो ठीक है, पी मतलब इन सारी जगह में कहीं पर आ सकता है. ठीक है, देखो पी को यहाँ लिया तो मैंने तीन छोड़कर ओ यहाँ आ जाएगा और ओ के जस्ट ऊपर क्यू इज प्लेस्ड इमिजिएटली अबव ओ. क्यू है यहाँ, तो ठीक है. पी को यहाँ लिया अगर मैंने तो तीन छोड़कर ओ यहाँ क्यू यहाँ है, कंडीशन पॉसिबल. ठीक है, बिल्कुल बेसिक से बता रही हूँ मैं. पी यहाँ तो तीन छोड़कर ना ही ओ ऊपर आ सकता है ना ही नीचे आ सकता है, मतलब पी यहाँ नहीं आ सकता. पी अगर यहाँ लिया तो तीन छोड़कर ओ यहाँ आ जाएगा, पर ओ के जस्ट ऊपर हमें क्यू चाहिए तो वो तो नहीं आ पाएगा ना, नहीं आ पाएगा. तो पी यहाँ वन टू थ्री, ओ यहाँ, क्यू यहाँ, ये भी एक कंडीशन पॉसिबल है. और क्या पॉसिबल है? पी तीन छोड़कर ओ यहाँ, क्यू यहाँ. ठीक है, ये कंडीशन पॉसिबल है. मैंने बिल्कुल बेसिक से बताया. एक अप्रोच और है इसकी करने की, वो भी मैं बताती हूँ. ठीक है, और क्या बोल रहे हैं? M इज प्लेस्ड इमिजिएटली अबव R. M और R के लिए देखो कहाँ जगह बची है इस कंडीशन में, यहाँ ही बची है. ठीक है, और क्या बोल रहे हैं? M और N के बीच में एक पर्सन है तो एक छोड़कर N यहाँ ही आ सकता है. सेम इसके लिए, M को यहाँ रखा, R को यहाँ रखा. देखो M और R के लिए ये जगह है और या तो फिर ये जगह है. M और R को यहाँ रखा तो M एक छोड़कर N आ पाएगा, नहीं आ पाएगा. इसका मतलब क्या? M यहाँ, R यहाँ और एक छोड़कर N हमारा यहाँ. सेम एम आर यहाँ या तो फिर एम और आर यहाँ. एम और आर यहाँ रखा तो एक छोड़कर एन यहाँ आ सकता है, आ सकता है, मतलब एम यहाँ आ सकता है. एम को यहाँ रखा, आर को यहाँ रखा तो एक छोड़कर एम से एक छोड़कर एन ना यहाँ आ सकता है ना ही ऊपर आ सकता है. इसका मतलब एम यहाँ, आर यहाँ, एन यहाँ. सेम इसमें देखो, एम को यहाँ रखा, आर को यहाँ रखा तो एन यहाँ आ सकता है, आ सकता है. अब एम यहाँ रखा, आर यहाँ रखा तो एन नहीं आ सकता हमारा, तो एम यहाँ, आर यहाँ, एन यहाँ. अब हमें क्या चाहिए? एल और एन जो है वो एडजेसेंट में चाहिए. दिख रहा है ना? हाँ, एल और एन क्या बोला है उन्होंने? एडजेसेंट में है. एल एन, एल एन एन आर प्लेस एडजेसेंट टू ईच अदर. एल आ सकता है, यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ पे भी नहीं आ सकता, यहाँ ही आ सकता है एल और यहाँ पर भी एल नहीं आ सकता. मतलब ये कंडीशन हमारी फिट हो गई. एल एन पी एम आर क्यू ओ. ठीक है, एक अप्रोच और है इसकी करने की. देखो क्यू इज प्लेस्ड इमिजिएटली अबव ओ और ओ और पी के बीच में तीन पर्सन है और पी जो है टॉप मोस्ट में नहीं है. तो देखो ओ अगर हम यहाँ ले लें, ओ वन टू थ्री पी, एक कंडीशन ये हो सकती है. और पी वन टू थ्री ओ और पी टॉप मोस्ट पर नहीं है, इसीलिए एक बॉक्स यहाँ पर बना दिया. ठीक है, क्यू जो है इमिजिएटली अबव हुआ है तो ठीक है, क्यू यहाँ रख दिया और इसमें क्यू यहाँ रख दिया. ठीक है, चलो अब देखो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, सिक्स बॉक्स इसमें हो गए और सिक्स ही बॉक्स इसमें हो गए हमारे. मतलब एक बॉक्स अभी आ सकते हैं दोनों में, चाहे ऊपर चाहे नीचे, है ना? हो सकता है ना? तो ठीक है, अब हमें कौन कौन सी कंडीशन फिट करनी है कि M R वाली और M एक छोड़कर N चाहिए, चाहे ऊपर या नीचे हो सकता है N,
और एल और एन को हमें एडजेसेंट में रखना है ना, एल और एन को हमें एडजेसेंट में रखना है। तो ठीक है, एम और अब आर वाली फिट करते हैं। देखो ऊपर और नीचे बॉक्स अभी बाद में लेते हैं, पहले एम और आर अगर एडजस्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि क्या बोला है, एम इज प्लेस इमीजिएटली अबव आर, तो ये वाली इजी है, ये वाली सेट करते हैं। देखो एम को यहाँ लिया, आर को यहाँ लिया अगर हमने, तो एक छोड़कर एन ना ऊपर आ पाएगा, ठीक है, और एक छोड़कर एन नीचे पर आ जाएगा, है ना, ऊपर नहीं आ पाएगा, नीचे आ जाएगा। एन यहाँ आ सकता है, आ सकता है, चलो। पर एक कंडीशन ये भी तो है, अगर एम को यहाँ ले लूँ, आर को यहाँ ले लूँ, तो देखो एम को यहाँ लिया, आर को यहाँ लिया, तो एक छोड़कर एन ना नीचे आ सकता है, ना ही ऊपर आ सकता है। इसका मतलब क्या, एम यहाँ आ सकता है, आर यहाँ, और एन यहाँ, ठीक है, एन यहाँ। पर देखो एन के साथ हमें एल चाहिए, क्योंकि एल और एन जो है भाई भाई हैं, वो साथ में रहेंगे। आ सकता है साथ में, नहीं आ सकता, गलत, ठीक है, चलो। अब देखो इसमें भी सेम है कि 1 2 3 4 5 6 सिक्स बॉक्सेस हैं, या तो एक बॉक्स ऊपर बनेगा या तो एक बॉक्स नीचे बनेगा, ठीक है। अब देखो अगर हम ऊपर बॉक्स बनाते हैं तो एम और आर वाली जो कंडीशन है या तो यहाँ फिट होगी या तो यहाँ फिट होगी, होगी ना। और अगर हम नीचे बॉक्स बनाते हैं तो सिर्फ एम और आर वाली जो कंडीशन है वो यहाँ ही होगी, ठीक है। चलो देखो मैं बनाती हूँ, अगर एक बॉक्स नीचे बनाया तो टोटल 7 बॉक्सेज हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। तो एम को यहाँ लिया, आर को यहाँ लिया, तो एक छोड़कर एन कहाँ लेंगे हम, एक छोड़कर एन यहाँ तो ले नहीं सकते, तो एक छोड़कर एन के लिए यही कंडीशन बचेगी। तो एल कहाँ जाएगा, एल के लिए तो यही बॉक्स है, एल और एन तो हमें एडजेसेंट में चाहिए। इसका मतलब हम यहाँ पर बॉक्स नहीं बना सकते, हमें बॉक्स यहाँ पे बनाना पड़ेगा। अब देखो इसमें भी दो कंडीशन है, एम और आर यहाँ आ सकते हैं या तो फिर एम और आर हमारे यहाँ आ सकते हैं। एम और आर अगर यहाँ लिया तो एन को नहीं एडजस्ट कर पाएंगे, क्योंकि एम एक छोड़कर एन नहीं आ पाएगा, पी बैठा है यहाँ पे, तो बस एम यहाँ, आर यहाँ, एन यहाँ, एल यहाँ, कंडीशन फिट, ठीक है, दो ही पॉसिबिलिटीज में हो गया हमारा इसका, है ना। तो जो आपको सही लगती है आप उसे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। स्पीड चाहिए, बाकी पॉसिबिलिटीज बनाने में तो कोई इतना वो लगता ही नहीं है ना टाइम। नेक्स्ट वाली रीड करें। 10 persons are sitting in two parallel rows containing 5 persons in such a way containing 5 persons each in such a way that there is an equal distance between adjacent row. In row 1, A, B, C, D and E are seated and all of them are facing north. In row 2, P, Q, R, S and T are seated and all of them are facing south. Each person in row 2 faces exactly one person in row 2. ठीक है। A sits at one of the extreme and A faces the one who sits 3 person away from R. देखो हमें कभी भी ये लिखा होता है ना कि 3 person away या फिर 2 person away या फिर जितने मर्जी person बोले हूँ, ठीक है, away from this पर्सन पी के आर जो भी है। तो अवे का मतलब आर से 3 पर्सन अवे, वो राइट में भी हो सकता है और आर से लेफ्ट में भी हो सकता है और थ्री या तो फिर नीचे भी हो सकता है, नीचे मतलब फ्लोर बेस्ड वाले में, ठीक है, अवे का बता रही हूँ, और या तो फिर ऊपर भी हो सकता है, मतलब आर से 3 पर्सन दूर है। अब ये नहीं पता राइट में है, लेफ्ट में है, टॉप मतलब बॉटम में है या टॉप से, ठीक है। तो ये थोड़ा सा नॉलेज के लिए मैंने बता दिया आपको। A faces the one who sits 3 person away from R. Only 2 persons sit between R and T. R doesn't face B. D sits third to left of E. P neither sits at the extreme end nor sits adjacent to S. Q sits to the left of S and right of P. ठीक है, बनाते हैं। ये पॉसिबिलिटी नंबर 1 है और ये सेकंड है, ठीक है। क्या बोला, ए जो है रॉ 1 में है और एक्सट्रीम एंड में है किसी, तो ए को एक जगह यहां ले लेते हैं हम और एक को एक जगह यहां ले। A faces the one who sits 3 places away from R. मतलब इस person को face कर रखा है, मतलब A ने उस person को face कर रखा है जो R से 3 places away है। तो 1, 2, 3, R कहाँ आ जाएगा, यहाँ
तभी ये पर्सन आर से थ्री प्लेसेस अवे होगा। ए ने इसे फेस कर रखा है और आर से थ्री फेसेस सॉरी थ्री प्लेसेस अवे है, दूर है। ठीक है, टू पर्सन है आर और टी के बीच में, दो छोड़कर टी यहाँ ही आ सकता है, दो छोड़कर टी यहाँ ही आ सकता है। इसमें भी आर डज नॉट फेस बी, आर ने जो है बी को फेस नहीं किया है, तो ठीक है कोई बात नहीं। डी सिट्स थर्ड टू लेफ्ट ऑफ ई, डी और ई वाली कंडीशन देखो हम सेट कर सकते हैं। डी जो है ना ई के थर्ड लेफ्ट में है, इसके ई के, तो ई यहाँ आ सकता है और डी यहाँ आ सकता है, सिर्फ यही बच रहा है। और आर देखो यहाँ पे हम ये भी सेट कर सकते हैं कि आर ने बी को फेस नहीं किया तो बी यहाँ आएगा और सी यहाँ। सेम डी जो है ई के थर्ड लेफ्ट में है तो डी यहाँ आ जाएगा, आर ने बी को फेस नहीं किया तो बी यहाँ सी यहाँ। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं, पी नीदर सिट्स एट एक्सट्रीम एंड नॉर सिट्स एडजेसेंट टू एस, पी यहाँ नहीं है और एस के एडजेसेंट नहीं है, तो पी यहाँ ही कहीं होगी। ठीक है, पी यहाँ नहीं है तो पी यहाँ कहीं होगी, और इस पी एस के एडजेसेंट नहीं है तो थोड़ा सा देखो दिमाग लगाओ, एस को मतलब हम पी के साथ, पी यहाँ होगा होगा या तो फिर यहाँ होगा, है ना, मतलब एस हम यहाँ कहीं तो नहीं रख सकते क्योंकि पी के साथ नहीं रखना तो एस के लिए यही जगह है। सेम पी यहाँ नहीं है, यहाँ कहीं है और एस हमें यहाँ रखना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि पी या तो फिर यहाँ आएगा या तो फिर यहाँ आएगा, पी जो है एस के साथ नहीं है। ठीक है, क्यू सिट्स लेफ्ट ऑफ एस एंड राइट ऑफ पी, क्यू जो है एस के लेफ्ट में है और पी के राइट में है। ठीक है, क्यू जो है देखो क्यू यहाँ ही कहीं आएगा, और ये तो पता है ना कि साउथ का राइट क्या होता है, साउथ का राइट ये होता है और लेफ्ट ये होता है, नॉर्थ का इसके अपोजिट में होता है, नॉर्थ का राइट ये होता है और लेफ्ट ये होता है। तो देखो क्यू जो है ना एस के लेफ्ट में है, एस के लेफ्ट में है तो ये तो इसका राइट है, ये तो इसका राइट है ना, क्यू यहाँ ही तो आएगा, इसका मतलब कंडीशन गलत। एस के लेफ्ट में है, पी के राइट में है, तो इसका मतलब क्यू यहाँ बनाना पड़ेगा, पी यहाँ तभी पी के राइट में होगा ना, ये कंडीशन सही होगी। डी सी बी ई ए एस आर क्यू पी टी, ठीक है, ये वाली कंडीशन जो है हमारी सही होगी। नेक्स्ट वाली देखें, ठीक है, सिक्स पर्सन्स ए बी सी डी ई एंड एफ प्लेड द मैच इन वेंकुरी स्टेडियम ऑन डिफरेंट डेट्स, इधर 18 और 23rd ऑफ थ्री डिफरेंट मंथ्स, जुलाई अगस्त एंड सितंबर ऑफ द सेम ईयर बट नॉट इन द सेम ऑर्डर। They play the match in the month which has an even number of days. Only 1 month gap between the month in which D and A played the match, but both played the match on different dates. Number of person played the match is before A is 1 less than the number of person played the match after E. Only 2 person played the match between E and C. B played the match after F, but not in the same month. अच्छा हाँ, ये वाली अच्छी puzzle है, मतलब वो जो कल मैं, अगर आप मेरी video देख रहे हैं तो जो मैंने कल बताया था वो 1 month वाला गैप वो यहाँ पर है। ठीक है, तो ठीक है, ये वाली सही है पसंद। ठीक है, 1 month का गैप है ना, 1 month गैप इन द मंथ इन विच डी एंड प्ले डी एंड ए प्लेड। ठीक है, देखो ये वाली लाइन देखो, नंबर ऑफ पर्सन प्लेड द मैच बिफोर ए इज 1 less देन द नंबर ऑफ पर्सन प्लेड द मैच आफ्टर ई। ए के पहले जितने भी हैं ना वो एक कम है जितने भी ए के बाद है, मतलब ए का +1 करना है और ए का -1 करना है। अगर ए के पहले 2 हैं तो ए के बाद कितने पर्सन हो जाएंगे, 3। ए के पहले 1 है तो ए के बाद कितने हो जाएंगे, 2। ए के बाद 1 है तो 1 - 1 ए के बाद कितने होंगे, 1 भी नहीं पर्सन, ए के पहले कितने होंगे, 1 भी पर्सन नहीं होगा, है ना, मतलब ए ही टॉप पे होगा, ए के पहले 1 भी पर्सन नहीं खेलेगा। ई के बाद अगर 4 है तो 4 - 1 ए के पहले कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। बनाना स्टार्ट करें, जुलाई अगस्त सेप्टेम्बर 18, 23, 18, 23, 18, 23 ना। ठीक है, डी कब खेल रहा है, डी जो है इवन नंबर ऑफ डेज वाले में खेल रहा है, तो इवन नंबर में यही है तो डी यहाँ हो सकता है और या तो फिर यहाँ हो सकता है ना।
मंथ का गैप है डी और ए के गैप में, मतलब जब वो खेल रहे हैं, ओनली वन मंथ गैप बिटवीन द मंथ इन विच डी एंड ए प्लेड द मैच, बट बोथ प्लेड द मैच ऑन डिफरेंट डेट्स। एक महीने का गैप है, ठीक है, एक महीने का गैप है, इसका मतलब क्या है? और दोनों जो है अलग अलग डेट्स में खेल रहे हैं। एक महीने का गैप है तो इसका मतलब ए अगस्त में नहीं आएगा, ए जुलाई में आएगा, तभी एक महीने का गैप होगा, है ना? और ए आएगा किस डेट में? 23 में, क्योंकि डी 18 में खेल रहा है, तो ए 23 में खेलेगा, क्योंकि दोनों डिफरेंट डेट्स में है। इसमें डी 23 में है तो ए 18 में हो जाएगा, ठीक है। नंबर ऑफ पर्सन बिफोर ए इज वन लेस देन द नंबर ऑफ पर्सन प्लेड द मैच आफ्टर ई। अब क्या ई के बाद प्लस वन होना चाहिए? ये बताया था मैंने, ए के पहले जितने भी हैं वो एक कम है जितने भी ई के बाद खेल रहे हैं। ए के पहले कितने हैं? एक, तो ई के बाद कितने हो जाएंगे? दो पर्सन, तो ई यहाँ हो जाएगा। सेम, ए के पहले एक भी नहीं है तो ई के बाद कितना हो जाएगा? एक हो जाएगा, ठीक है। टू पर्सन है, अब देखो टू पर्सन है, मंथ नहीं है, टू पर्सन है ई और सी के बीच में, तो दो छोड़कर सी यहाँ, दो छोड़कर सी यहाँ, ठीक है। बी प्ले द मैच आफ्टर एफ बट नॉट इन द सेम मंथ। बी जो है एफ के बाद है और सेम मंथ में नहीं है, तो ठीक है सेम मंथ में नहीं है। बी एफ के बाद है और सेम मंथ में नहीं है, सेम मंथ में नहीं है, तो ठीक है गलत, ठीक है। तो ये बन गई हमारी पजल। सी ए एफ ए डी बी, ये हमारी जो है फाइनल अरेंजमेंट बन गया, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। यू कैन ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल फॉर PDFs एंड कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो, ठीक है। बैंकर्स एवरीवन। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।